किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिले की बेड़िया की नवीन मिर्च मंडी को देश की आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा नवीन मिर्च मंडी में किसानों को कैंटीन की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मंडी में किसानों को उन्नत किस्म के बीज और खाद उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर अधिकारियों ने खरगोन की नवीन मिर्च मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान कमल पटेल ने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों के विश्राम के पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं। पटेल ने बताया कि नवीन मिर्च मंडी तक नहर से जाने वाले रास्ते पर 2 किलोमीटर के सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे किसानों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। रोड के समतलीकरण के कार्य के साथ ही मंडी में 2 शेड निर्माण का कार्य की भी स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मंडी का नाम स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर किए जाने संबंधी कार्यवाही भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। जो हमने घोषणा की थी उसका पालन हो गया कि नहीं हुआ? काम भी होगा ना यार, मैं जो कहता हूँ करता हूँ, समय पर काम होंगे सब। नहीं, वो तो सर, और स्वीकृत भी कर दिया। सुनो, आपका रोड 202 किलोमीटर जो नहर से रोड है वो, और आपके समतलीकरण, कैंटीन, क्योंकि किसान को, व्यापारी को, हम माल को चाय पीना नाश्ता करने के लिए जरूरी है वो जी जी। और उसके बाद में 2 शेड भी बना देंगे, कवर कर देंगे जो। हाँ, वो मिर्ची की प्रोसेसिंग यूनिट डाल देंगे, वो भी कराऊंगा मैं। पर किसान को हर सुविधा देंगे, हाईटेक मंडी बनाएंगे और देश की एक नाम रहेगा आपके बेड़िया मंडी का नाम, हिंदू भैया का नाम पूरे देश में और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी बना देंगे। यहाँ से निर्यात भी करेंगे यहाँ से किसानों को। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2 गुना करना 2022 तक, उसमें टॉप प्रायोरिटी पे करेंगे प्राथमिकता के आधार, ठीक है ना। और यही किसान को ओरिजिनल बीज, ओरिजिनल दवाई और खाद मिले, इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे मंडी के अंदर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।